वेलकम है आपको हमारे यूट्यूब चैनल फंड राइडर ब्लॉग्स में। तो क्या आप सभी इस टूल्स के बारे में जानते हैं? क्या कभी इस टूल्स का उपयोग किए हैं? बहुत से लोगों को ये अनजान टूल्स लग रहे होंगे, देखने में बिल्कुल ही अलग, जो कभी देखे भी नहीं होंगे। और एक डिब्बा में और भी टूल्स हैं, वो दिखाता हूँ मैं, जो इस प्रकार से दिखते हैं करीबन, जो बिल्कुल ही डिफरेंट और डिफरेंट तरह के दिखते हैं, जो कभी किसी को पता भी ना हो क्या क्या इस्तेमाल में ये टूल्स आता है। तो आज का विषय मैं इसी के टूल्स के बारे में मैं बताऊंगा आप सभी को, क्या उपयोग आता है इस टूल्स का और किस जगह उपयोग किया जाता है। थिंकिंग मैं बता दूंगा आप सभी को कि ये टूल्स बाइकों को रिपेयर करने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। तो चलिए दोस्तों, मैं इस टूल्स के बारे में डिफिनेशन आपको बताता हूँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे सबसे पहले। तो चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहें एंड वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना। आप देख रहे होंगे सामने से कुछ इस प्रकार से बना हुआ, इसकी आकृति इस प्रकार से है। यह सॉकर रड है, जो स्प्लेंडर, पैशन प्रो, सब जितनी भी हीरो कंपनी की बाइक आती है उसकी सॉकर बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये जो है सेकेंड नंबर की रोड हम देख रहे हैं, इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से है। देखिए, इसमें लग रहा है कि एलेंकी लगा हुआ है उस प्रकार से, इतनी बड़ी है। तो इसका इस्तेमाल हम बजाज की जितनी भी बाइकें आती है, जैसे पल्सर हो गए, पल्सर 150 हो गया, 180 हो गई, 220 हो गई, उस मॉडल को जो सोकर होती है उसका रिपेयर करने के लिए इस रोड का हम इस्तेमाल करते हैं। एंड नेक्स्ट बारी है इसकी, ये काफ़ी आपको मोटी नज़र आ रही होगी एंड काफ़ी बड़ी है। तो इसका इस्तेमाल हम FZ की सोकर को रिपेयर करने के लिए किया करते हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों। तो यह जो स्पेशल टूल्स है आपको दिख रहा होगा, इसमें यामाहा लिखा हुआ, यह यामाहा की एलसील को स्मूथली सोकर में घुसा के इसको ठोकने के लिए काम आता है, जिसमें हम वेलसील को स्मूथली लगा पाते हैं सोकर में, जब वेलसील सोकर की कट जाती है तब। यह यामाहा FZ की वेलसील ठोकने की पुलर है। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट में हमें पल्सर की मिलती है, और सॉरी, नेक्स्ट हमें पल्सर की मिलती है, पल्सर 150 की है। इसका इस्तेमाल हम सोकर को वेलसील लगाने में करते हैं पल्सर के लिए। और नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा सुजुकी का, हम सुजुकी के सोकर इसमें रिपेयर कर सकते हैं, वेलसील लगा सकते हैं इसकी मदद से। और नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट है हीरो होंडा का, हीरो की जितनी बाइक आती है उसकी सोकर की वेलसील को रिपेयर करने के लिए, लगाने के लिए हम इस पुलर का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल फाइन है। और लास्ट में, अंत में हमें एक और वेलसील को लगाने के लिए मिलता है, जो आपको इसमें स्टिकर पूरा पूरी चीज़ नहीं दिखा हुआ, यह है 220 का दोस्तों। देखिए, अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, यह 220 का बड़ा वेलसील लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमें इसके साथ एक छोटा सा एलेंकी मिला है, एंड इसका ये होल्डर है, जिसमें जितना भी आपको दिख रहा है सब कूलर इसमें खपता है। उसके बाद हम ऑयलसील को आराम से तरीके से पाइप में एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं। तो दिखाते हैं आपको इसमें फिटिंग करके कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, कुछ इस प्रकार से इसका कूलर इसमें लगता है। उसके बाद जो एलेंकी की स्क्रू दी हुई है वो इसमें इस प्रकार से टाइट की जाती है। देखिए, तो नॉर्मली दोस्तों इस प्रकार से लग जाता है, हमारा पुलर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम पाइप में वेलसील को लगा के आराम से उसको लगा सकते हैं, उसके बाद स्मूथली वो लग जाएगा, किसी भी परेशानी के द्वारा नहीं लगेगा। हल्का सा इसको ठोकना है और वो लग जाएगा बिना डैमेज हुए। तो ये पूरा सेट हमको पड़ा था करीबन 1100 रुपये का पड़ा था। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर इसका लिंक डाल दूंगा कि कहाँ से ये मैंने परचेज किया था। और ये जितने भी आप रोड देख रहे हैं, ये रोड करीबन हमको 250-300 रुपये करके करीबन पड़े हैं। तो ये सारा टूल्स है जो हम सोकर रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। कोई भी विशेष गाड़ी हो, जैसे कि बजाज की, हीरो की, या फिर सुजुकी की, या होंडा की, किसी भी बाइक की सोकर को रिपेयर करना हो, तो हमें इस टूल्स का उपयोग करना पड़ता है। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।